हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स एंड माय किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड रसमलाई, जो कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। जब कुछ मीठा खाने को मन हो तो आप इस रेसिपी को झटपट बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ब्रेड रसमलाई बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन में हम मखाने को रोस्ट करेंगे। मैं 1.5 कप मखाने ले रही हूँ। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। 2 मिनट बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और मखाने को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे मिक्सर जार में शिफ्ट करेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। पैन में हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं और इसमें हम ब्रेड को सेक लेंगे। सभी ब्रेड को आप ऐसे घी लगा के दोनों साइड सेक लीजिए। हमें इसे हल्का हल्का ही सेकना है, जिससे ये थोड़े से हार्ड हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट ना रहे। तो आप जितने ब्रेड का ब्रेड रसमलाई बना रहे हैं तो उन सबको ऐसे सेक लीजिए, ताकि जब हम इसे दूध में डालें तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। इसलिए हम इसे ब्रेड को सेक रहे हैं। मखाने को मैंने पीस के तैयार कर लिया है, देख लीजिए। ऐसा दरदरा मैंने पीस के इसे तैयार किया है। ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए मैं 1 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो दूध को हम बॉईल करने के लिए गैस में रख देंगे। जब दूध में बॉईल आ जाए तो हम इसमें पीसे हुए मखाने को ऐड करेंगे। देखिए, दूध में बॉईल आ रहा है तो हम इसमें मखाने ऐड करते हैं। मखाने ऐड करने के बाद हम इसे चम्मच से चला लेंगे और गैस को अभी हम मीडियम ही रखेंगे। और इसमें मैं 1/2 कप मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप मिश्री नहीं डालना चाहते तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर लीजिए। 1 कप दूध में हम 1 पिंच सैफ्रॉन ऐड करेंगे और इसे 1/2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे, जिससे दूध में अच्छा सा कलर आ जाए। 1/2 घंटे में सैफ्रॉन का जो कलर है और टेस्ट है वो दूध में आ गया है। तो हम जो 1 लीटर दूध है उसमें इसे ऐड कर देंगे और इसे हम कुक करेंगे मीडियम आंच पर। दूध को हमें मीडियम फ्लेम में ही थोड़ा सा रिड्यूस करना है। तो बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे और जब तक दूध में अच्छा सा कलर ना आ जाए और दूध थोड़ा थिक ना हो जाए, तब तक हम इसे गैस पर पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। दूध रिड्यूस हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है, येलो जैसे हमें चाहिए। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। 20 से 25 बादाम है, काजू है और चिरौंजी दाना है। और फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब दूध को मैं कांच के बोल में शिफ्ट कर रही हूँ और फिर हम इसमें ब्रेड को ऐड करेंगे। ब्रेड को मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप इसे सर्कल शेप में कट करना चाहते हैं तो आप सर्कल शेप में भी इसे कट कर सकते हैं, जैसे रसमलाई का शेप होता है। और मैंने इसमें एजेस कट नहीं किए हैं ब्रेड के। आप चाहे तो ब्रेड के एजेस भी कट कर सकते हैं, जिससे लुकिंग वाइज ये और डिलीशियस लगे। सारे ब्रेड को हम बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसमें ऊपर से जो दूध का मिक्सचर है उसे हम ऐड कर देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फ्रीज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ब्रेड अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा 2 घंटे में। देखिए, ये थोड़ा थिक हो गया है, दूध पूरा एब्जॉर्ब हो गया है और हमारी रसमलाई बनकर तैयार है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ब्रेड रसमलाई इस रेसिपी को। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और खाने में बिल्कुल रसमलाई सा ही टेस्ट आया है इसका। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।